हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे। वो टॉपिक है दोस्तों डैंड्रफ के बारे में। बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ की समस्या होती है और डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से बालों पर बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। तो डैंड्रफ के बारे में आज हम बाप से बात करेंगे कि डैंड्रफ क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसको कैसे हम सही कर सकते हैं। तो डैंड्रफ को हम पहले ये जानें कि ये डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि जब भी शरीर में फंगस का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो सिर के ऊपर हो या शरीर में कहीं पर हो, तो आप देखिए उसमें से दो तीन तरह की चीज़ें होती है। एक तो कभी कभी होता है कि उसके ऊपर से जैसे सफ़ेद पपड़ी जैसी निकलती है या इसको बोलिए स्केल्स जैसे निकलते हैं, उसको आप अगर रगड़ दीजिए हाथ से या किसी और चीज़ से या कंघी से रगड़ दीजिए, तो आप देखेंगे वहाँ से आपको स्केल्स सफ़ेद रंग के निकलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। दूसरा होता है कि कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें गीलापन लिए हुए होता है, उसमें स्केल्स सफ़ेद नहीं निकलते हैं, आपको देखेंगे वहाँ पर गीलापन या पीलापन लिए हुए चिपचिपा जैसा होता है। तो दोस्तों ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो पहले प्रकार के स्केल्स होते हैं जिसमें सफ़ेद रंग के भुरभुरे या बोलिए कि बारीक बारीक आपको सफ़ेद स्केल्स आपको दिखते हैं बालों पे, तो वैसी कंडीशन के लिए जो सबसे अच्छी दवा यूज की जाती है वो होती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम और थूजा। ये दो दवाएँ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं कि अगर आपको स्केल्स हैं और ख़ासतौर से आप देखेंगे कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हैं और स्केली हैं, सफ़ेद रंग के निकल रहे हैं बाल, करिए तो कंघी में या बालों पे ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, तो ऐसे केस में ये दो दवाएं आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी मिलेंगी। एक तो आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 पोटेंसी में इसका यूज़ कर सकते हैं आप दिन में सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, और थूजा 1 mg पोटेंसी की हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार इसको आप लगातार सेवन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको महीने दो महीने के अंदर में धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। दूसरी जो कंडीशन होती है मैंने आपको बताया कि पीले रंग की चिपचिपी बालों में चिपक जाती है, इस तरह के अगर डैंड्रफ है तो वहाँ पे दो तीन दवाएं ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। एक तो ग्रेफाइटिस 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, मेजेरियम 30 या 200 पोटेंसी में, और काली सल्फ दोस्तों 6x पोटेंसी में या 12x पोटेंसी में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन दवाएँ बहुत ही इफेक्टिव होती है ऐसे कंडीशन के लिए जहाँ पर स्केल्स हैं या डैंड्रफ्स हैं लेकिन वो चिपचिपे हैं और पीला रंग लिए वगैरह है और पीलापन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दवा होती है काली सल्फ। तो दोस्तों ये तीन दवाएं हैं चिपचिपे के लिए, और दो दवाएं मैंने आपको बताया आर्सेनिक एल्बम और थूजा, ये आपको ड्राई स्केल्स के लिए ड्राई स्केली जो डैंड्रफ्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दवा है दोस्तों। तो दोस्तों ये पाँचों दवाएँ इतनी बेहतरीन हैं कि अगर आपके सिर में डैंड्रफ की समस्या है और आप इसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं सही जानकारी के साथ में, तो आप देखेंगे कि आपकी इस समस्या से जड़ से निजात मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा दोस्तों, और अगर इसका आप यूज़ करते हैं तो ज़रूर ये फ़ायदा करेगा आपको। और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को फैलाइए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सारे लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।